गाइस एक कहानी तब स्टार्ट हुई जब मैं बहुत नूब हुआ करता था। मुझे फीफा खेलते खेलते पूरे एक साल हो चुके थे, पर फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जा रहा था। मैंने गाइस बहुत कोशिश जैसा खेलता है राइस्टर से सीख। अरे राइस्टर, ये कौन है भाई? तो गाइस इसी के बाद ही मैं तुरंत यूट्यूब खोला और जाके सर्च किया वो सात मैजिकल वर्ड्स राइस्टर, और मुझे एक यूट्यूब चैनल मिला और उसे क्लिक करते गाइस जो मैंने देखा वो बोलने लायक बिल्कुल भी नहीं था। तो गाइस इसका गेम प्ले देख के मैं समझ चुका था ये कोई आम प्लेयर नहीं था, ये एक फीफा का जीता जाता लीजेंड था जो गाइस एक शॉट में बंदे को पूरा खा जा रहा था। इसका गेम प्ले का तो मैं फैन बन चुका था, तो मैंने सोचा अगर मुझे प्रो बनना है तो मुझे इसको ही कॉपी करना चाहिए, तो इसके साथ मैंने इसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस राइस्टार को कॉपी करने के बाद मेरा गेम प्ले पहले से भी बहुत ख़राब हो चुका था। अब तो मैं एक बंदा भी नहीं मार पा रहा था। मैं सोच रहा था भाई कैसे भाई राइस्टार भाई के साथ हेडशॉट मारूं। तभी मैंने सोचा जाके मैं क्यों ना यूट्यूब में सर्च कर लूं भाई का इतना स्पीड और इतना हेडशॉट के पीछे क्या ट्रिक है। तो मैं यूट्यूब में गया और सर्च किया और जो मैंने देखा तो गाइस इस वीडियो देख के मैं समझ चुका था अगर मुझे भी राइस्टार जैसा प्रो बनना है तो मुझे भी हैकिंग करना ही पड़ेगा। तो मैंने दिन रात एक कर दिया बस हैकिंग सीखने के लिए। 2000 years later तो गाइस मैंने दिन रात मेहनत करके आखिर फ्री फायर में हैक्स ऑन कर ही लिया था। अब वो सुनहरा मौका आ चुका था जब मैं वो हैक यूज करके हमारे राइस्टार जैसा प्रो प्लेयर बन जाऊं। तू भी मरेगा बेटा, आजा आजा आजा। क्या तू ही नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएंगे। आजा तुझको मैं हेडशॉट देता हूँ, एक हैग वाला हेडशॉट। तू भी तीन गोली खाएगा क्या? हेडशॉट, तू भी हेडशॉट खा, तू भी हेडशॉट से मरेगा। तू भी एक छोटी ले भाई,
तू भाग का रहा है, हेडशॉट खा के जा। रुक, तुम लोगों का गुत्ती भी अभी तोड़ता हूँ मैं, कोई नहीं बच पाएंगे, खत्म। तू ही मरेगा हेडशॉट खा के, तू भी हेडशॉट ले बेटा। कोई नहीं रुक पाएगा मुझको अब, हेडशॉट। तू भी एक शॉट ले, तू भी एक शॉट खा, कोई नहीं बच पाएगा। सब खत्म भाई, ये मेरे हैक से कोई नहीं बच पाएगा भाई यहाँ पर। अरे देखो दरवाजे पे कौन आया है।